हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अर्थ स्लाइम की वीडियो ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, तो ये है फेविकॉल नॉबोरेक्स स्लाइम। तो चलिए हम ऑन करते हैं। तो इन्होंने लिया है सबसे पहले फेविकॉल। ओके, तो अब मैं भी पहले फेविकॉल ले लेती हूँ। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है, इन्होंने बोरो प्लस लिया है। ओके, तो बोरो प्लस को इन्होंने मिक्स किया। तो चलिए हम भी थोड़ा सा बोरो प्लस लेके मिक्स कर लेते हैं। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, उन्हें पता ही होगा कि ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाया हुआ है फेविकॉल नॉबोरेक्स का बोरो प्लस यूज करके। तो उन्हें पता ही होगा कि इसका रिजल्ट पास और फेल में से क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए अभी तो हम इनकी वीडियो देख करके अपना स्लाइम बनाते हैं। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इन्होंने इन्होंने भी बेकिंग सोडा मिक्स किया है, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में करती रही हूँ। और ओल्ड वीडियोस में आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं हम भी बेकिंग सोडा। एंड देन उसके बाद इन्होंने अच्छे तरीके से मिक्स करके स्लाइम रेडी कर लिया है। सो लेट्स सी हमारा यहाँ पर पास होता है या फेल। एंड जो मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे, उन्हें पता ही होगा कि पास होने वाला है या फिर फेल ये वीडियो। ओके, तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा। तो अभी यहाँ पर उन्होंने कलर तो नहीं मिक्स किया, लेकिन हम कलर मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा स्लाइम ब्यूटीफुल सा दिखे। तो मैं यहाँ पर लेमन येलो मिक्स कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी कलर मिक्स कर सकते हैं, इससे जो स्लाइम है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये स्लाइम रेसिपी फेल होने वाली है या पास। जो न्यू होंगे उन्हें पता नहीं चला होगा, तो अभी पता चल जाएगा। एंड जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें मेरे ओल्ड वीडियोस देख के पता ही होगा कि ये फेल होगी या पास। ओके, तो हमारी स्लाइम रेडी है। तो यू नो द बेस्ट एक्टिवेटर इज द बोरो प्लस, बिकॉज अगर आपके पास कोई भी एक्टिवेटर घर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप बोरो प्लस एंड बेकिंग सोडा की यूज से स्लाइम रेडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्लाइम बनता है, बहुत ही स्ट्रेची होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके पास एक्टिवेटर नहीं है, तो बोरो प्लस एंड बेकिंग सोडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड मैं समटाइम्स सेविंग क्रीम एंड बेकिंग सोडा भी यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने मेरे ओल्ड वीडियोस में देखा ही होगा, तो आप वो एक्टिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है स्लाइम बनाने के लिए। तो ट्राई करिए, स्लाइम बनाइए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।